हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डार्क हॉरर मून नाइट में। दोस्तों, आज की कहानी आप मेरी नहीं बल्कि मेरे दोस्त केपी चौधरी की आवाज़ में सुनेंगे। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, आज की ये कहानी हमें भेजी है चरणजीत शर्मा ने, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। तो आगे की कहानी मैं आपको इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम चरणजीत शर्मा है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। दोस्तों, जो घटना मेरे साथ घटी है ये घटना ज़्यादा पुरानी नहीं है। यही कोई 2005 के आसपास की बात रही होगी, जब मैं टैक्सी ड्राइवर हुआ करता था। अभी मैंने टैक्सी चलाना बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि उस घटना के बाद मेरी हालत ऐसी नहीं बची कि मैं टैक्सी चला सकूं। दोस्तों, उन दिनों मैं पटना में टैक्सी चलाया करता था। उस दिन यही कोई रात के 8-9 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा कि एक तांत्रिक टाइप का आदमी मेरे पास आकर बोलता है कि मुझे यहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर आगे तक जाना है और फिर वहाँ से वापस भी लौट कर आना है, लेकिन मैं सुबह के तकरीबन 4 बजे के आसपास वापस लौट कर आऊँगा। तो पहले तो मैंने उससे मना कर दिया कि नहीं, इतना तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे अभी घर भी जाना है। तो उस तांत्रिक ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें इसके ज़्यादा पैसे देने को तैयार हूँ। अब मैं भी ज़्यादा पैसे पाने के लालच में उसी के साथ चल दिया। मैंने कहा कि चलो देखते हैं। वैसे भी उस टाइम पे मेरी जो इनकम थी वो बहुत ज़्यादा कम हो रही थी और मैं आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान था। तो मैंने सोचा कि चलो आज रात जाग लेते हैं, कल दिन में काम नहीं करेंगे। और मैं भी उसके साथ तांत्रिक को लेकर वहाँ पर चल दिया। 20 से 25 किलोमीटर आगे जाने के बाद उस तांत्रिक ने मेरी गाड़ी को एक घने जंगल में रुकवा लिया। उसने मुझसे कहा कि गाड़ी यहीं रोक दो। तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा, यहाँ तो बहुत घना जंगल है और दूर दूर तक कोई गाँव, कस्बा या फिर शहर नज़र ही नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? तो उस तांत्रिक ने मुझसे कहा कि यहीं पास में एक शमशान घाट है और मैं वहीं पर जा रहा हूँ। सुबह 3-4 बजे के आसपास मैं वापस लौटूंगा, लेकिन तब तक तुम यहीं पर खड़े रहना और रात के समय गाड़ी से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। जब तक सुबह के 4 ना बज जाएं, तब तक गाड़ी का दरवाजा बिल्कुल मत खोलना, चाहे मैं ही तुम्हें आवाज़ क्यों ना दूँ। तब मैंने उस तांत्रिक से पूछा कि बाबा, आखिर ऐसा क्यों? गाड़ी से बाहर मैं रात में क्यों ना निकलूं? और आप जा कहाँ रहे हैं? आपको क्या करना है शमशान घाट में? तो उस तांत्रिक ने मुझे बताया कि बेटा मैं अभी शमशान घाट में सिद्धि करने जा रहा हूँ और जहाँ पर अभी तुम खड़े हो वहाँ पर रात के 11 बजते ही बहुत सारी प्रेत आत्माएँ तुम्हें इधर उधर नजर आएंगी, और अगर तुम इस गाड़ी से बाहर निकले तो वो तुम पर जानलेवा हमला भी कर सकती हैं, और इस जगह पर बहुत सारे प्रेत, चुड़ैल, छलावा और बहुत टाइप के शैतानी शक्तियां रहती हैं, जो कि तुम्हें यहाँ पर रात में घूमती हुई नजर आएंगी, और उनमें से कुछ तो मेरा रूप धरकर या फिर मेरी आवाज़ बदलकर तुमसे गाड़ी का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही तुमने गाड़ी का दरवाज़ा खोला वो तुम्हें मारकर अपने साथ ले जाएंगे। याद रखना कि जब तक सुबह के 4:15 का टाइम नहीं हो जाता तब तक मैं वापस लौट कर नहीं आऊँगा, और अगर कोई भी तुम्हें मेरी आवाज़ में या फिर औरत बनकर या फिर कोई इंसान बनकर तुमसे गाड़ी का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करे तो इस दरवाजे को बिल्कुल मत खोलना। और इतना सब कहने के बाद उस तांत्रिक बाबा ने अपनी पोटली में से एक काले रंग का धागा निकाला और मेरी गाड़ी के चारों तरफ बांध दिया, और वो तांत्रिक बाबा मेरी गाड़ी से दूर चले गए और वो शमशान की तरफ चलते बने। आपको बता दूं कि वैसे तो मैं उन दिनों भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था, लेकिन तांत्रिक बाबा के कहने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना गाड़ी के अंदर ही रहा जाए, तो इसलिए मैंने गाड़ी का दरवाजा खोलना बिल्कुल भी सही नहीं समझा। तांत्रिक बाबा के जाने के लगभग आधे एक घंटे के बाद तक तो सब कुछ ठीक ही चलता रहा, लेकिन उसके बाद जैसे ही रात के 11:30 बजे का टाइम हुआ, उसके बाद उस जगह पर
थोड़ी बहुत हलचल होना शुरू हो गई। वहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी फुसफुसाने की, चिल्लाने की, रोने की आवाज़ सी आने लगी और दूर से तांत्रिक बाबा के चिल्लाने की भी आवाज़ बहुत साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे तांत्रिक बाबा कोई सिद्धि करने के लिए मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। और ये सब सुनने के बाद मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसी सुनसान जगह पर ऐसी आवाजें आना तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि रात के टाइम में बहुत सारे जानवर शिकार करने के लिए निकलते हैं और गीदड़ और बिल्लियों की आवाज कुछ ऐसी ही लगती है जैसे कि कोई इंसान जोर जोर से रो रहा हो या फिर चीख रहा हो। उन दिनों मेरे पास टैक्सी में एक रेडियो हमेशा रहता था, क्योंकि मैं उस पर समाचार और गाने सुना करता था। तो मैंने उस रेडियो को चालू किया और उस पर समाचार सुनने लगा। रात में मैं समाचार सुन ही रहा था कि तभी मेरी गाड़ी को किसी ने जोर जोर से थपथपाना स्टार्ट कर दिया। मैंने रेडियो को बंद किया और मैंने जोर से आवाज़ लगाई, कौन है भाई? बाबा। मैंने सोचा कि कहीं बाबा तो वापस नहीं आ गए, लेकिन तभी मुझे उनकी बात याद आई। दरअसल जाते वक्त बाबा ने कहा था कि मैं सुबह 4 बजने से पहले वापस नहीं लौटूंगा। तो मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की तो इधर उधर देखने के बाद भी मुझे कोई भी वहां पर नज़र नहीं आया। हालांकि वहां पर इतना ज़्यादा अंधेरा भी था कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने जोर जोर से चिल्लाकर पूछा कि कौन है, किसने अभी मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खटखटाया है? तो वापस में कोई भी आवाज़ मेरे पास नहीं आई। तब मैंने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा जो भागता हुआ मेरी गाड़ी से टकराकर निकल गया होगा। ये सोचकर मैं गाड़ी में शांत बैठ गया और फिर से रेडियो पर समाचार सुनने लगा। लेकिन उसके बाद भी किसी ने मेरी गाड़ी को 2-3 मिनट बाद फिर से खटखटाया और फिर से मैंने इधर उधर देखा। लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। मुझे लगने लगा था कि कहीं जो बाबा ने कहा था वो सच तो नहीं है। दोस्तों, आपको बता दूं कि उस टाइम पे मैंने इतना तो कुछ ज़्यादा महसूस भी नहीं किया था, लेकिन उस टाइम पर मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मैं अपने आप ही जोर जोर से लंबी लंबी सांसें ले रहा था और मेरा दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा था। तभी मुझे अपनी गाड़ी से लगभग 20 से 25 कदम की दूरी पर 2 आदमी बैठे हुए नज़र आए। इतने अंधेरा होने के बाद भी वो दोनों ही आदमी मुझे साफ साफ नज़र आ रहे थे, पर दोनों का चेहरा कुछ ऐसा था जिसको मैं अच्छे से नहीं देख पा रहा था। दरअसल उनके कपड़ों पर तो ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उजाला कर रखा हो, लेकिन उनके चेहरों पर अभी भी रोशनी नहीं थी और उनके चेहरे अभी भी अंधेरे में ही थे। शायद वो इंसान भी हो सकते थे, लेकिन न जाने क्यों उनको देखकर मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं बहुत ज़ोर से कांप रहा था और मैंने भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, मैं वैसे तो भगवान की पूजा प्रार्थना इतनी ज़्यादा नहीं करता था और मैं कभी मंदिर पर भी नहीं जाता था। एक दो बार बीच बीच में कभी जाया करता था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा भगवान पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन उस दिन मेरे मुंह से अपने आप ही भगवान का नाम जपना स्टार्ट हो गया और भगवान का नाम लेते लेते मैंने अपना मुंह अपने घुटनों के बीच में दे लिया। और उसके बाद जब मैंने अपनी मुंडी ऊपर उठाकर गाड़ी से बाहर देखा तो वो दोनों ही आदमी वहां पर मौजूद नहीं थे। उसके बाद मेरा डर भी थोड़ा कम हुआ और मैं वहीं पर सो गया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी दिन भर की ड्राइविंग और रात में भी। अब लगभग 12:30 का टाइम हो चला था तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था और मैं वहीं पर सो गया। लेकिन 1 से 1.5 घंटे सोने के बाद एक अजीब सी आवाज़ से मेरी आंखें खुलीं तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी को चारों तरफ से कुछ लोगों ने घेर रखा है और वो लोग मेरी गाड़ी को जोर जोर से मारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो वे मेरी गाड़ी का अभी कचूमर बना देंगे। और उनमें से कुछ लोग तो इतनी जोर से चिल्ला रहे थे कि मानो मेरे कानों के पर्दे अभी फट जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैंने उनको साफ साफ देखने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि उनमें से कुछ लोगों की आँखें बाहर निकली हुई हैं और कुछ लोग हवा में ही खड़े हैं।
तो मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया। मुझे पता चल गया कि ये सभी इंसान नहीं बल्कि प्रेत हैं, और इतने सारे प्रेतों को एक साथ देखकर मैं बहुत जोर से डर रहा था। मेरे अंदर कपकपी सी छूटने लगी थी, लेकिन तभी मुझे बाबा की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि रात में तुम्हें बहुत सारे प्रेत, जिन्न और बहुत सारी शैतानी शक्तियाँ देखने को मिल सकती हैं, लेकिन तुम्हें गाड़ी से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। और शायद उन्होंने जो काला धागा मेरी गाड़ी के चारों ओर बांध रखा था, उसी की वजह से ये प्रेत मुझे इस गाड़ी से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। और मैंने भी डरते डरते भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते उनमें से कुछ प्रेत वहां से दूर जाने लगे, और कुछ प्रेत तो वहां से एकदम से चिल्लाकर भागते हुए मुझे नजर आए। थोड़ी ही देर में मेरी गाड़ी के पास से सभी प्रेत दूर भाग गए, लेकिन उसके बाद मुझे दूर से आता हुआ एक बहुत ही बड़ा प्रेत नजर आया, और वो देखने में इतना ज़्यादा खतरनाक लग रहा था कि मानो जैसे वो अभी मुझे पकड़कर मार देगा। उसको देखकर जितने भी वहाँ पर प्रेत मौजूद थे वो सब डरे सहमे से एक जगह पर जाकर खड़े हो गए। लेकिन वो प्रेत मेरी गाड़ी के थोड़ा सा पास आया, उसने मेरी तरफ झांक कर देखा, और वो वहाँ से कुछ सोचकर वापस ही लौट गया। और इसके बाद वो तांत्रिक बाबा मुझे मेरी गाड़ी के पास आते हुए नजर आए, और जैसे ही वो मेरी गाड़ी के पास आए वो मुझसे बोले कि बेटा, अब मैंने साधना पूरी कर ली है और तुम गाड़ी का दरवाज़ा खोल सकते हो। तभी मैं दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो मुझे याद आया कि अभी शायद 4 बजे का टाइम नहीं हुआ है। उस टाइम पर मेरे पास ना तो घड़ी थी और ना ही मोबाइल। मैं उस टाइम पर सिर्फ अनुमान ही लगा सकता था कि अभी क्या टाइम हो रहा है, लेकिन उस टाइम पर किसी के पास भी घड़ी और मोबाइल नहीं होते थे, तो वो रात को देखकर ही ये बता दिया करते थे कि अभी रात में कितना टाइम हो रहा होगा, तो यही अंदाज़ा मेरे पास भी था। मैंने सोचा कि अभी शायद 4 बजे का टाइम नहीं हुआ है, और मैंने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया, क्योंकि इतना सब देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये साधु बाबा भी कोई प्रेत ही हो सकता है। मैंने उनसे कहा कि बाबा, जब तक सूरज नहीं निकला था मैं तब तक ये दरवाज़ा नहीं खोलने वाला। तो बाबा ने हंसते हुए मुझसे कहा कि पहचान गया तू मुझे। और वो तांत्रिक बाबा जोर जोर से हंसते हुए उसे प्रेत के रूप में बदल गए, जो कि अभी मेरी गाड़ी के पास आकर अचानक से कुछ सोचते हुए वापस लौट गया था। इसके बाद तो मानो मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मैंने उसी टाइम पर फैसला कर लिया कि आज के बाद मैं कभी भी टैक्सी नहीं चलाऊंगा। और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद वो तांत्रिक बाबा मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि बेटा, अब लगभग 4 बज चुके हैं और तुम दरवाज़ा खोल सकते हो। लेकिन मैं तब भी इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मैंने उनसे दरवाज़ा खोलने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। और जब तक सूरज नहीं निकल आया तब तक वो साधु बाबा मेरी गाड़ी के पास ही वहीं पर खड़े रहे, और इसके बाद मैं उनको लेकर वापस पटना आ गया। और इसके बाद मैंने अपनी टैक्सी को बेच दिया, और तब से मैं आज तक बिल्कुल भी टैक्सी नहीं चलाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी चरणजीत शर्मा जी की कहानी। अगर आप भी अपनी कहानी हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर हमारी ईमेल आईडी के जरिए हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। आपकी कहानी को भी जल्दी ही इस चैनल पर सुनाया जा सकता है। दोस्तों, ऐसी ही डरावनी और सच्ची कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी चैनल का नाम है बैक हॉरर, और आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज मिलती रहें।